फाइनली दोस्तों आप देख रहे हैं 2022 न्यू लॉन्च हीरो डेस्टिनी एक्सटेक 125 टॉप मॉडल। इसकी कलर की बात की जाए तो ये मेट रे सिल्वर कलर की है। दोस्तों ये स्कूटर पूरी तरह से बदल चुकी है, इसमें कंपनी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये स्कूटर 6 कलर ऑप्शन 3 वेरिएंट में आती है। इसकी प्राइस भी पहले से बढ़ चुकी है। नई कीमत क्या है, इसमें क्या फीचर्स हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप हीरो के किसी भी बाइक या स्कूटी का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं राधा हरि ऑटोमोबाइल दरभंगा रोड बखड़ी मुजफ्फरपुर स्थित शोरूम में। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तिलक और आज के इस वीडियो में मैं डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ डेस्टिनी 125 एक्सटेक की। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो आप देख सकते हैं ये स्कूटी फ्रंट से कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें क्रोम मिरर मिल जाता है, यहाँ पे हीरो की 3D लोगो मिल जाती है। इसकी हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो स्प्लिट LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। नीचे वाला लो बीम और ऊपर वाला हाई बीम मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट का जगह दिया गया है। कंपनी ने टर्न इंडिकेटर बल्ब में प्रोवाइड किया है जिसके दोनों साइड DRL दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्रोम वर्क दिया गया है जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर दे रहा है। यहाँ पे FI की स्टिकर वर्क दी गई है। मेटल का मडगार्ड मिल जाता है जिसके आगे थोड़ा सा फाइबर वर्क दिया गया है। इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 130 mm का मिल जाता है और टायर साइज की बात करें तो ये 90-110 का टायर साइज मिल जाता है। इसके दोनों टायर ट्यूबलेस दिए गए हैं। इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ पे कुछ क्रोम वर्क फिनिश दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनी 125 एक्सटेक 3D में लिखा मिल जाता है। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 97,000 के आसपास में मिल जाएगी मुजफ्फरपुर में। दोस्तों अगर आप किसी और सिटी से हैं और आपको इसका प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने सिटी का नाम, तो मैं इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें 124.6 cc का इंजन लगा है जो कि एयर कूल 4-stroke SI इंजन है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 9.1 PS की जनरेट करती है 7000 RPM पे और मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 10.4 Nm की टॉर्क जनरेट करती है 5500 RPM पे। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका रियर लुक कुछ इस तरह का है। टर्न इंडिकेटर बल्ब में दिया गया है, टेल लाइट भी बल्ब में दिया गया है। यहाँ पे हीरो के कुछ स्टिकर वर्क मिल जाती है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट का जगह दिया गया है। कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट मिल जाता है। ये स्कूटी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन दिया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सीट कुछ इस तरह का मिल जाता है। इसमें ड्यूअल टोन कलर में सीट दिया गया है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स प्रोवाइड की गई है। इसके जस्ट ऊपर कैरी हुक दिया गया, उसके जस्ट नीचे USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसके लेफ्ट हैंडल पे लो बीम हाई बीम पास टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिल जाती है। इसके राइट हैंडल पे सेल्फ स्टार्ट और I3S का स्विच मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके मीटर कंसोल की। तो इसमें DG एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें स्पीडोमीटर एनालॉग में प्रोवाइड की गई है। इसमें ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज ये सब डिजिटली शो हो जाते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये स्कूटी आती है जिसमें कॉल SMS अलर्ट भी मिल जाता है। इसकी रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो यूनिट स्विंग विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन मिल जाता है। इसके रियर टायर साइज की बात करें तो 90-110 का टायर साइज मिल जाता है। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो विड्थ 729 mm, लेंथ 1809 mm, हाइट 1154 mm, सेडल हाइट 778 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, व्हील बेस 1245 mm की दी गई है। लोड कैरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 130 kg की मिल जाती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।